तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन है इन्फिनिक्स नोट 35G मोबाइल फ़ोन, वो भी ऑरेंज कलर में। उसके अंदर जो है आज हम बात करने वाले हैं, इसके अंदर आ गया है नया अपडेट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम ये अपडेट को कर लेंगे और देखेंगे कैसा क्या है फ़ोन, इसके बाद स्टेबल होता है कि नहीं। ये जो ऑरेंज वाला फ़ोन है, जैसे मेरे पास आया था इन्फिनिक्स नोट 35G मोबाइल फ़ोन, ये थोड़ा सा हार्ड चल रहा था। तो उसके अंदर मैंने अपडेट में गया, अपडेट में जाके चेक किया तो इसके अंदर एक अपडेट जो है वो आया हुआ था, जिसको आपको आके अपडेट में चले जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको जो है सिस्टम के अंदर चले जाना, सिस्टम के अंदर आपको जो है अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें ऑनलाइन अपडेट पर चले जाना, उस पर जाके आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। अगर आपका अपडेट आया हो तो उसे अपडेट को कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपडेट पर कर दिया है क्लिक। अपडेट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आई हुई हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये आपको स्टेबल वर्जन है, आपका जो चार्जिंग है वो जो है काफ़ी अच्छी स्टेबल हो जाएगी, सिक्योरिटी फीचर आपको इसमें अपडेट में मिलता है, और जो भी फर्स्ट टाइम अपडेट करता है उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलती ही हैं फ़ोन के साथ। तो मैं फटाफट अपडेट के लिए कर देता हूँ कंटिन्यू, और अपडेट पे कंटिन्यू करते से ही आप देख सकते हैं ऊपर एक प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगी, हमारा जो अपडेट का जो डाउनलोड है वो हो जाएगा कंप्लीट। तो देख सकते हैं 520 MB का ये अपडेट है, तो ये जो अपडेट है अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है। बाकी कुछ नोटिफिकेशंस भी हैं इसमें, आपका जो जब भी आप अपडेट को रिस्टार्ट करें, यानी आपके जो फ़ोन है अपडेट होने के बाद इंस्टॉल करें, तो आपकी बैटरी जो 50% से ऊपर होनी चाहिए। ये कुछ गाइडलाइंस है, फ़ोन को स्विच ऑफ ना करें, कि भैया फ़ोन थोड़ी देर से ओपन नहीं हुआ तो आप स्विच ऑफ करके बटन प्रेस करने में कोई भी छेड़ाछाड़ी ना करें। तो उसके बाद आप देख सकते हैं, हम फटाफट चले आते हैं और देख लेते हैं हमारा जो अपडेट है वो स्टार्ट हुआ है कि नहीं। तो हमें जो है फटाफट कर देना है हमारे अपडेट को ऑन। जो हमारा अपडेट है वो हो चुका है स्टार्ट, देख सकते हैं अपडेट होना भी हो गया है स्टार्ट। तो अब जो है हमारा अपडेट हो चुका है कंप्लीट, हमने बीच में वीडियो स्किप कर दी थी अपडेट की। बाकी नीचे आप देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, एक आपको दिखाई दे रहा होगा रीस्टार्ट, 2 बजे रात को 2 बजे भी आप इसे रीस्टार्ट कर सकते हो, रीस्टार्ट नाउ, यानी आप अभी रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन अभी रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट करते टाइम यही बताना चाहता हूँ कि 50% आपकी बैटरी होनी चाहिए, फ़ोन जो है थोड़ा सा टाइम लेगा उसके बाद ऑन होगा। इसके बीच में जो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, करीब मेरे 10 मिनट ले लिए थे उसने इंस्टॉलेशन की प्रोसेस में। तो आपको बैक मैक नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको ऐसे ही रहने देना है, इंस्टॉल होने देना है, उसके बाद आप रीस्टार्ट करेंगे तो फटाफट जो है रीस्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं मेरा जो फ़ोन है वो हो चुका है एक्टिव, इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा इन्फिनिक्स पावर्ड बाय एंड्रॉयड लिखा हुआ आ चुका है। थोड़ा सा इस पर भी करना है वेट, थोड़ा सा वेट करने के बाद आपका जो फ़ोन है वो एक्टिव हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इन्फिनिक्स लिखा हुआ आ चुका है, हमारा जो फ़ोन है वो हो रहा है एक्टिव। तो थोड़ा सा और वेट कर लेंगे, मैं वीडियो को थोड़ी सी और स्किप कर देता हूँ, फिर देखते हैं हमारा जो फ़ोन है ये हो चुका है ऑन। फ़ोन ऑन हो चुका है, ऑन होने के बाद थोड़ा सा हमें वेट करना है, उसके बाद जो है वापस जो इतनी प्रोसेसिंग है वो हो जाएगी उसकी। तो हमारा जो फ़ोन है वो हो चुका है एक्टिव, आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया वर्क कर रहा है फ़ोन, एकदम स्मूथली वर्क कर रहा है। चले जाते हैं हमारे फ़ोन की सेटिंग के अंदर सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको स्क्रॉल करना है इस नीचे साइड। स्क्रॉल करने के बाद जो सिस्टम का ऑप्शन है, सिस्टम के अंदर जो आपको अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर चले जाना है। जो ऑनलाइन अपडेट पे आप चेक कर सकते हैं, आपने जो अभी अभी अपडेट किया वो कन्फर्म हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। तो हमारा जो अपडेट है वो आप देख सकते हैं, प्रोसेसिंग के बाद आपको शो होगा सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो ये रहा हमारा अपडेट, इस तरीके से आप अपने फ़ोन को कर सकते हैं। अगर आपके पास भी आया कोई अपडेट और आपके फ़ोन में इश्यूज़ आ रहे हैं तो उस अपडेट को कर लीजिए कंप्लीट, तो आपका जो इश्यूज़ है वो सॉल्व हो जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।